माद्यं जगत् व्यापिनी पीड़ा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाड़िकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति शांति शांति। चलो भाई तो लिंग लकार हो गया। हाँ, विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रसन प्रार्थनेशु लिंग विद्यादि अर्थ में लिंग लकार होता है। ठीक है, आप कहते हैं जो है आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। क्या है? आशीर्वाद अर्थ में है ना। आशीषी लिंग लोटो पीछे गया लोट लकार और लिंग लकार आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। होता है कि नहीं? क्या सूत्र? आशीषी लिंग लोटो है ना, इस सूत्र से लिंग लकार आता है आशीर्वाद अर्थ में। और विद्यादि अर्थ में लिंग लकार किससे आएगा? विधि निमंत्रणा मंत्रणा इस सूत्र से आएगा। विधिलिंग का लकार बोलो रूप भवेत भवेताम भवेयुः भवेहे भवेतम भवेता भवेयम भवेव भवेम वह। चलो अब भू धातु है, अभी कौन सा लकार आ गया? आसर लिंग, लिंग आया, लिंग का लकार रहेगा। क्यों? क्या रहेगा? लिंग का लकार रहेगा। ठीक है भाई। अब ऐसा आने पर जो है तिप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? तिप। ठीक है, किसके स्थान पर? लकार के स्थान पर तिप। तिप का क्या शेष रहता है? ती। तिप का ती रहा, पकार की संज्ञा हो गई। तिंसित सार्वधातुकम क्या है? तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त हुई। किसकी? तिप की। लिंग लकार के स्थान पर जो तिंग होगा, कोई भी तिंग हो, तिंग कितने होते हैं? 18 होते हैं। कोई भी तिंग प्रत्याहार का वर्ण हो, वर्ण बोल दिया प्रत्यय हो, उसकी क्या प्राप्त हुई? सार्वध संज्ञा होती है। क्या सूत्र? तिंगसित सार्वधातुकम। धातु से बीत जो तिंग हो अथवा सित प्रत्यय हो, उसकी सार्वधातु का संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सार्वधातु संज्ञा है कि नहीं? तो सार्वधातु संज्ञा जब होगी तो सार्वधातु को मान करके वो कार्य हो जाएगा। तो सार्वधातु को मान करके कार्य क्या होता है? कर्तरी सबसे सब भी हो जाएगा। जैसे भवती में हुआ, भवेत में भी हुआ कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो सार्वधातु को मान करके कहाँ कहाँ पर सब हुआ बताओ? लट लकार में हुआ, फिर लंग लकार में हुआ, हुआ लोट लकार में भी हुआ, और कहाँ पर हुआ? बिजलिंग में भी हुआ। समझ में ना आया? और कौन सा लकार हुआ? इतना
हैं, इतना हुआ ना, लिट लकार हुआ, लिट 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 भी तो हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या भविष्यति हैं? लिट लकार हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर सप नहीं होता है, वहां पर तो स्य हो गया, वहां पर भी नहीं हुआ, वहां पर भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, क्या सोच रहे हो? आगे देखो, अब सूत्र आ रहा है, लिंगाशिषे लिंगाशिषे। तो लिंगाशिषी में देखो दो पद है भाई, एक लिंग हो गया, दूसरा आशिषी। ठीक है ना, पहला पद क्या है? लिंग। लिंग हो गया लुप्त षष्ठी का, लिंग क्या है? लुप्त षष्ठी का। और आशिषी सप्तमी का एक वचन है, प्रातिपदी है आशिष। प्रातिपदी के आशिष कौन सकार है अंतिम में? मूर्धन्य सकार है। ठीक है ना, आशिष का आशिषी मतलब आशीर्वाद अर्थ में, किस अर्थ में है? आशीर्वाद अर्थ में। तो लिंग लकार को क्या होगा? कुछ कहा नहीं तो अनुभूति आएगी भी है, अनुभूति आ जाएगी। तो अनुभूति किसकी आएगी है? जानते हैं, आर्धातु की अनुभूति आएगी। किसकी आएगी? आर्धातु की अनुभूति आ जाएगी, है ना? किस सूत्र से आएगी? देखो तो आर्धातुकम शेष से, वहीं से आएगी। आर्धातुकम शेष से आनी चाहिए। 3 4 116 अष्ट दे लाए हो, 3 4 1 वहीं से आएगी ना। हाँ, और वही तो सूत्र है, वही तो सूत्र है भाई, है ना? आर्धातुकम शेष लीड च लिंगाशिषी छंदसी उभयता, ये तीन सूत्र में होता है, लीड च लिंगाशिषी छंदसी उभयता। ये तीन सूत्र में क्या होता है? आर्धातुक संज्ञा होती है कि नहीं? क्या होती है? आर्धातु। और बाकी सर्वत्र क्या है? साधातु। आर्धातु कम शेष बोल दिया। ठीक है, जिसकी सार्धातु संज्ञा नहीं होती है ना, उसकी क्या हो जाएगी? आर्धातु संज्ञा हो जाएगी, इसलिए शेष बोल दिया, है कि नहीं? तो क्या कह दिया? हाँ, एक लील लकार में भी आर्धातु होती है। देखो, लील लकार में आर्धातु हुई ना, लीड च से, और आ गया लिंगाशिषी। तो लिंगाशिषी है ना, यहाँ पर आर्धातु कम शब्द की अनुमूर्ति आ गई। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा आशिषी लिंगस्तिंग, आर्धातुक संज्ञा स्यात्। पढ़ो, आशिषी लिंगस्तिंग आर्धातुक संज्ञा स्यात्। देखो, इस सूत्र में कितने पदों की अनुमूर्ति आई, कौन बोल सकते हैं? तिंग की आएगी, कहाँ से? तिंग से, सार्धातु कम से तिंग की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, और आर्धातु कम शेष से आर्धातु का क्या अनुवृत्ति आएगी, है कि नहीं? तो अर्थ होगा आशीर्वाद अर्थ में होने वाला लिंग के स्थान पर तिंग, आशीर्वाद अर्थ में होने वाला जो लिंग, ऐसा लिखो, आशीर्वाद अर्थ में होने वाला लिंग लकार, उस लिंग लकार के स्थान पर आदेश होने वाले तिंग प्रत्यय की, तिंग प्रत्यय की, तिंग प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा हो,
कौन संज्ञा हो? आराधु का संज्ञा हो, ठीक है। ये विधि सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, ठीक अनुराग। हाँ, उत्तर देने से पता लगते है बुद्धि एकाग्र है कि नहीं। तो संज्ञा सूत्र कौन संज्ञा? आराधु संज्ञा है ना। ये सूत्र किसका अपवाद हुआ? सार्धातुक का। तिंग से सार्धातुकम सूत्र का यह अपवाद है। क्या लिखेंगे? यह सूत्र तिंगसित का मतलब सार्धातुक संज्ञा का अपवाद लिख दो। यह सार्धातुक संज्ञा का अपवाद है। किसका अपवाद है? अपवाद है क्योंकि सार्धातुक प्राप्त न था। आश्रित लिंग में भी क्या प्राप्त था? अर्धातु, उसका अपवाद कर दिया। हो गया कि नहीं? तो अर्धातुक होने से सार्धातुक को मान करके होने वाला कार्य नहीं होगा। सार्धातुक जो संज्ञा को होने वाला कार्य कौन? सब है, सब आदि कि नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आश्रित लिंग में अर्धातुक होने से आशीर्लिंग में अर्धातुक होने से सार्धातुक संज्ञा का कार्य, सार्वधातुक संज्ञा का कार्य स्वादि विकरण नहीं होते हैं। स्वादि, स्वादि विकरण नहीं होते हैं। स्वादि कहने से सब विकरण, भ्वादि में सब विकरण के नहीं। कहीं स्लू है, कहीं श्यन है, कहीं स्नू है, स्लू है कहीं, ये सब विकरण नहीं होगा। सुनते हो? जितने भी स्वादि विकरण होते हैं वो क्या मान करके होते हैं? सार्धातु मान करके। ये सार्धातु को संज्ञा से होने वाला जो कार्य है वो कार्य नहीं होगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इसलिए सब होगा। यहाँ पर भूतात में कौन सा विकरण होता है? सब होता है। क्यों? कर्तरी सब कह दिया ना। ठीक है ना। चलो, इसलिए सब नहीं होगा। तो भू आगे क्या है बोलो? ती, भू प्लस ती, भू प्लस ती। ती की कौन संज्ञा हुई? अर्ध संज्ञा। इले कर्तरी सब होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन यासुट तो हो जाएगा। क्या है यासुट? क्या सूत्र है? यासुट परसे पदेशु उदात्तो गिंच। सूत्र गया पीछे। हाँ, तो लिंग लकार को परसिम पद लिंग लकार। क्यों? आपनी पद में नहीं होता यासुट, स्यूट होता है। क्या होता है? स्यूट। कहाँ पर? आत्मनी पद में स्यूट, और परसी पद से परसी पद में यासुट। ऐसा में तो यहाँ पर क्या होगा? यासुट हो जाएगा। किसको? ती को। लिखो, भू ती था ना, भू प्लस ती था, ती को यासुट हो जाएगा। क्या होगा? यासुट। यासुट का क्या रहता है? यास। यास कौन सा कार्य है? दंत। तो यास जो होगा किससे पहले बैठेगा? ती से पहले बैठेगा। ठीक है। भू आगे बोलो, यास आगे ती। लिखा आपने? भू यास आगे ती, इतना हुआ। कितना हुआ बोलो? भू यास ती, इतना हुआ। देखो, ती जो है ना, ती अर्धातुक है कि नहीं है? तो यास आगम हो गया, ये पूरा हो गया अर्धातु। यास ती गोल करो, यास ती हो गया अर्धातु को, पूरा हो ना अर्धातु को, बराबर है कि नहीं? तो अर्धातु मान करके, क्या मान करके? अर्धातु का मान करके भू को गुण प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे? भू को गुण प्राप्त हुआ। प्राप्त है भाई, क्या मान करके? पर में अर्धातु मान के, सार्धातु अर्धातु कयो से भू अंग के उकार को
गुणा प्राप्त हुआ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, आर्धातु का परे रहते, आर्धातु का परे रहते, ठीक है ना। क्या परे रहते? आर्धातु का परे रहते, ठीक है। भू के उकार को गुणा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? गुणा प्राप्त है, ठीक है भाई। क्या प्राप्त है? गुणा प्राप्त है। अरे अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भूल तो नहीं गया मैं, चल रहा है। ये गुण का निषेध करने के लिए लिखो अभी, गुणों का निषेध करने के लिए सूत्र आ रहे हैं। ऐसा लिखो, गुण का निषेध करने के लिए कंकितिच सूत्र, ऐसा लिखो, गुण का निषेध करने के लिए कंकितिच सूत्र। पुस्तक में देखकर लिखो, गुण का निषेध करने के लिए कंकितिच सूत्र होता है, और कंकितिच सूत्र की प्रवृत्ति के लिए, कंकितिच सूत्र की प्रवृत्ति के लिए अग्रिम सूत्र, अग्रिम अतिदेश सूत्र, ऐसा लिखो, अग्रिम अतिदेश सूत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ, अग्रिम अतिदेश सूत्र आ रहा है, लिख दिया। चलो, किदाशिषी, दो पद है भैया, कित आशिषी, क्या है? कित आशिषी, दो पद हुए। क्या क्या पद है? हाँ, कित और आशिषी है। पहला हो गया कित, दूसरा हो गया आशिषी, ठीक है ना। तो लिंग स्यूड से लिंग की अनुवृत्ति आएगी, किसकी आएगी? लिंग स्यूड से लिंग की आएगी, और यासुट परस्य पदेशु उदात्त गिंच से यासुट की अनुवृत्ति आएगी। हो गया कि नहीं हो गया? हैं, ठीक है ना, आएगी। तो क्या होगा ऐसा अर्थ ऐसा होने से? आशिषी लिंगो यासुट कित, बोलो, आशिषी लिंगो यासुट कित, आशिषी लिंगो यासुट कित। तो अर्थ हो जाएगा, आशीर्वाद अर्थ में होने वाला, अथवा आशीर्लिंग भी ऐसा ही कह सकते हो, आशीर्लिंग के स्थान पर, आशीर्लिंग के स्थान पर होने वाला यासुट आगम, यासुट आगम कितवत हो, कितवत हो, क्या हो? कितवत हो, ठीक है। लिख दिया आपने, यह सूत्र कौन सा सूत्र है? कित, कित करेगा, कित ना होने पर भी कित, है ना। मतलब कित को मानकर जो कार्य होगा, यासुट को मान करके भी वो कार्य हो जाएगा, आए समझ में। इसको कहते हैं अतिदेश, क्या कहते हैं? अतिदेश कहते हैं। जैसे प्रतिनिधि नहीं भेज देते हैं, वो स्वयं नहीं आया तो उसकी प्रतिनिधि भेज देते हैं, प्रतिनिधि में भी वही कार्य हो जाता है, होता है कि नहीं? राजा नहीं गया, राजा कोई प्रतिनिधि पता भेज दिया, होता कि नहीं होता है? प्रधानमंत्री नहीं गया तो उसका कोई प्रतिनिधि भेज देता है कि नहीं? ये अतिदेश होता है, लग गया। तो जैसे देखो, जैसे क्या हुआ, भू यास्ति, ये जो यासुट का यास है ना, ये लिंग लकार के स्थान पर हुआ है। और कौन सा लिंग लकार? आशीर्लिंग,
इसलिए यासुट का जो यास है वो कित हो जाएगा, उसको कित मान लो। कित मतलब ककार इत जिसका हो उसको कहेंगे कित, है ना, बराबर है। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा आगे बताएंगे। देखो घबराओ ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ने से पीछे का स्पष्ट होता है, लघु में ऐसे होता है। लघु में क्या, सभी में ऐसे ही है, जितना आगे आगे बढ़ोगे पीछे का स्पष्ट हो। अब उसी में नहीं घबराना चाहिए, अरे समझ में नहीं आ रहा, लग गया। अब क्या होगा देखो, अब छोड़ देते हैं अभी, है ना। तो भू यास ति, यास जो है ना यासुट का यास, एक कितवध हो गया। इसका फल अगले सूत्र में इतना लिख दो, इसका फल यासुट को कित करने का फल अग्रिम सूत्र में है। किस सूत्र में है, अग्रिम सूत्र में है। तो कितना रहा बोलो, भू यास आगे ती, इतना हुआ। अच्छा जो ती का जो ई है ना उसकी, उसका लोप हो जाएगा। हाँ इतश्च, देखो ना पहले गए इतश्च, इतश्च सूत्र से इकार का लोप कर लो, रहेगा कितना, भू यास आगे बोलो तकार, इतना हुआ। ऐसा होने पर सूत्र आ रहा है, क्या आ रहा है सूत्र, सूत्र गया है, आया क्या गया है, स्कोह संयोगा द्योरंते च, क्या सूत्र बोलो, ये सूत्र है ना। तो इस सूत्र से क्या होगा मालूम है, संयोग के आदि में, ये बोलते हैं संयोग के आदि में यदि क्या हो, सकार हो अथवा क्या हो ककार हो, उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। संयोग कौन हो गया मालूम है, सकार तकार, ये हो गया संयोग। कौन है, लेकिन संयोग जो है यदि पदांत में हो तो संयोग कौन है यहाँ पर, सकार। एक गोल दो बनना है ना, ये होगा संयोग। ये पद के अंत में है क्या, नहीं है, कौन नहीं है, संयोग पद के अंत में हो, ये समझना है। केवल एक वर्ण नहीं, सकार तकार हो गया संयोग, पूरा हो गया पद ना, भू यास तकार, ये हो गया पद, है कि नहीं। और पद के अंत में कौन है, संयोग, बराबर है। इसलिए संयोग के आदि में कौन सा वर्ण है, सकार है, सकार का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा कितना रहा, भू यात, भूयात हो गए, क्या हो गए, भूयात हो गए, नहीं। हाँ लेकिन भू के उकार को क्या प्राप्त था, गुण अर्धातु मान करके, लेकिन किदवत कर दिया किसको, यासुट के यास को। ये जो लिखा ना इसको आगे लिखता तो और अच्छा होता है, किसको, इसको संयोगा दौरंते च, इस लोपो जो दिया है ना इसको आगे लिखता तो और अच्छा होता है। कहाँ पर, भूयात से पहले लिखता तो, नहीं समझ में क्या कह रहा हूँ राजू, समझ में आ रहा है। हाँ ये जो वृत्ति में दिया है ना, कीदा शिशी सूत्र के वृत्ति में जो है इसको संयोगा दौरते स्वलोप, ये लिखना चाहिए थे वहां पर, भूयात से पहले लिखना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। कहाँ पर, ये कंगति च सूत्र को समझा देते उसके बाद स्को संयोगा दौरते स्वलोप फिर भूयात, ऐसा कह देते, स्पष्ट हो जाता है ना। यहाँ पर सकार का लोप ना करो, बाद में लोप करो, कि नहीं। अब बीच में आ गया तो फिर माथा घूम जाता है फिर। क्योंकि किदासे से आपने को समझा और वहीं पर छोड़ दिया आपने, उसको पूरा समझाओ ना जो समझा रहे हो, बीच में क्यों विषांतर करते हो, विषांतर नहीं हो गए। किदासे से को आपने समझा फिर जो छोड़ दिया फिर विषांतर करके कोहो समझगा दोनों को समझाया, इसलिए ये जो वृत्ति वहीं पर होता है और अच्छा होता है। कहीं पर, भूयास से पहले। कि नहीं आया, कि नहीं आया, ऐसा है। तो चलो सकार का लोप तो बाद में करना, क्या करना है, तो कितना रहा बोलो, भूयास आगे क्या है, ती, ती का तकार करो, भूयास तकार, भूयास
तकार। अतः भूयास्ति भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, भूयास्ति करो चाहे भूयास्त तकार करो, कि नहीं। ऐसा होने पर ये सूत्र को समझो, किसको, हाँ उसको छोड़ दो, पहले सकार के लोप को छोड़ दो, ऐसा मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव में ऐसा होता है, कि नहीं। कितना हुआ, भूयास्ति अथवा भूयास्तकार, क्यों ऐसा होने पर है सूत्र आ रहा, देखो कंगिति च, कंगिति च, सूत्र में जो है ना कंगिति च, यहाँ पर जो कितने पद मालूम है, हैं हाँ दो पद है कंगिति, दूसरा क्या है च, दूसरा हो गया च, ठीक है ना। हाँ तो क्या करता है, निषेध करता है, ये क्या करता है भैया, निषेध। तो कंगिति, कंगिति में जो है ना सप्तमी एक वचन, प्रातिपदिक क्या है मालूम है, कंगित। पहले देखो समझाते हैं, गोकार कोकार गोकार ऐसा लिखो, ये माथा घुमाने वाला सूत्र है भैया। गोकार कोकार आगे क्या है, गोकार, इसमें समाहार दंत करो, क्या करेंगे समाहार दंत करो, क्या कितने वर्ण है, तीन, गोकार कोकार गोकार, लेकिन सूत्र में ऐसा है, इसमें दो को, दो कोकार है, तो दो कोकार कैसे हुए बताओ, कि कोश्चो से, कोश्चो से होगा, हाँ क्या, हाँ तो कैसे कोश्चो नहीं लगेगा, हाँ चवर्ग होने पर क्या होगा, एक मिनट, गोकार है ना, गोकार को चवर्ग होने पर नहीं, खरीच करो, खरीच से कर लीजिए, ठीक है ना, खरीच से क्या हो जाएगा, गोकार को हाँ चर करने पर कोकार हो जाएगा ना, हाँ चर करो, गोकार को चर करने पर कोकार हो जाएगा, ले दो कोकार हो गया, यहाँ पर लिख कर रखो, गोकार को चर आदेश करने पर, हाँ चर ही करो, किस सूत्र से, खरीचा सूत्र से, गोकार को चर करने पर ककार हुआ, ऐसा लिख दो, बराबर है, हो गया ना। तो क्या दिखाई दे रहा है, इसलिए ककार, लेकिन बीच जब करेंगे तो गोकार ककार और गोकार, इसका फिर इत, इत शब्द के साथ क्या करो, बहुवरी समास करो, पहले तो द्वंद हो गया, गोकार ककार गोकार में क्या हो गया, द्वंद हो गया, फिर ईत के साथ क्या करो, बोबरी समास कर लो, बराबर है, तो क्या हो गया फिर बोलो, है कंगिति हो गया, कंगित हो गया, क्या हो गया, कंगित हो गया, बराबर है, मतलब ईत को तीनों में जोड़ दो, क्या क्या होगा, गीत कीत गीत, कितना हो गए, गीत हाँ कीत और गीत, और सप्तमी कर दिया, तो सप्तमी करने से क्या होगा, गीति कीति गीति, ऐसा हो जाए, क्या होगा, गीति कीति गीति, बोलो गीत प्रत्यय पर रहते, कीत प्रत्यय पर रहते और गीत प्रत्यय पर रहते, यहाँ पर ये सप्तमी दिया है ना भैया, गंगिति में, कंगिति में क्या है विभक्ति, ये सप्तमी है ना, निमित्त अर्थ में लिखो, यहाँ पर निमित्त सप्तमी है, कौन सी सप्तमी, निमित्त सप्तमी, ठीक है ना, कौन सप्तमी, हाँ समझ कर रखो, अरे यहाँ पर च दिया है, क्या दिया है, च मतलब और, ऐसा अर्थ नहीं, च का अर्थ और नहीं, यहाँ पर च का अर्थ क्या है मालूम है, च का अर्थ, च इति अर्थ में लिखो, च जो है ना इति के अर्थ में, किसके अर्थ में,
इति के अर्थ में। सुनते हो भाई, किस अर्थ में? ये सूत्र जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए आराम से समझो, नहीं तो अनुवाद करके चलने से नहीं होगा। एकदम भावार्थ को समझो फिर जाओ, ठीक है। तो चौक किस अर्थ में हुआ? इति मतलब क्या होगा मालूम है? गीति इति मतलब गीत ऐसा प्रत्यय परे रहते, कीत ऐसा प्रत्यय परे रहते, और गीत ऐसा प्रत्यय परे रहते, ठीक है। तो क्या होगा उससे फिर आप समझेंगे। इको गुण वृद्धि से, इको गुण वृद्धि है ना सूत्र, ये पूरे सूत्र के अनुवृत्ति है। लिखो, इको गुण वृद्धि क्या है? इको गुण वृद्धि, सुनते हो कि नहीं? क्या है ये? इको गुण वृद्धि से पूरी की अनुवृत्ति आएगी, इसलिए ये क्या होगा, है ना? हाँ, इगंतंग क्या होगा? हाँ, इक इक है ना, इक सुनते हैं ना, इक लिख दो, इगंत ऐसा नहीं, इक इक जानते हो क्या है? एक ऐसा उच्चारण करके जो विधान किया गया हो, लिखो क्या लिखेंगे? हाँ, एक इति नहीं, वो हमने जो इति बोल दिया ना, ये चौका अर्थ इति है, चौका अर्थ इति, इति का अन्वय जो है ना इक के साथ है, गीति के साथ नहीं है, बोलने में थोड़ी त्रुटि होगी। लिखो, चौका अर्थ इति है, चौका अर्थ इति है, और इति का अन्वय, इति शब्द का अन्वय इकह के साथ है, किसके साथ है? इकह के साथ है। राजू समझ में आ रहा है? बोलो, किसका अन्वय किसके साथ हुआ है बताओ? इति कहाँ से आया? इति तो इसमें सूत्र में है ना? कहाँ सूत्र में इति है? हाँ, बुद्धि भटक गई कि नहीं? बोलो, हाँ, चौ का अर्थ इति है, चौ का अर्थ इति, वो जो इति शब्द का अन्वय किसके साथ करना है? इकह के साथ करो, किसके साथ करेंगे? इकह, इकह कहाँ से आया? अनुवृत्ति, इको गुणा वृद्धि से इकह किया आगे, इकह षष्ट्यंत है, इकह षष्ट्यंत है, सुनते हो भाई? तो देखो, इकह इति क्या कहा मैंने? इकह इति, इसका अर्थ ये है, लिखो, इसका अर्थ इकह इति, इसका अर्थ ऐसा है ना, इकह ऐसा उच्चारण करके, क्या लिखा आपने? इकह ऐसा उच्चारण करके विहित होने पर, क्या है? विहित होने पर, इकह ऐसा षष्ट्यंत शब्द का, और स्पष्ट लिख दो, इकह ऐसा षष्ट्यंत शब्द का उच्चारण करके, विहित होने पर, क्या होने पर? विहित होने पर, है ना, किसका विहित? गुण वृद्धि, लिखो, गुण वृद्धि का विहित होने पर, किसका विहित? गुण कार्य अथवा वृद्धि कार्य, गुण कार्य जानते हो? गुण किसको बोलते हैं? सत्व रजतम, गुण क्या है? अदैंग गुण, अ ए ओ को गुण बोलते हैं, अब वृद्धि किसको बोलते हैं? वृद्धि राधेच, आ वही औ, ये है वृद्धि। जहां पर गुण का विधान हुआ हो और जहां पर वृद्धि का, लेकिन क्या उच्चारण करके? बोलो,
एक ऐसा एक जो षष्ट्यंत है ना एक ऐसा एक षष्ट्यंत का उच्चारण करके विधान किया गया हो। किसका विधान? गुण का और वृद्धि का। ऐसे स्थल पर तो जो है क्या नहीं होगा, बोलते हैं कि नास्ता, देखो लिख दिया ना, न की अनुवृत्ति आएगी, न धातु लोप अर्धातु के न से अनुवृत्ति आ जाएगी। लिखो, न शब्द की अनुवृत्ति आती है, किसकी अनुवृत्ति आती है? न की अनुवृत्ति आती है, होगा ना भाई, किसकी अनुवृत्ति आती है? न की अनुवृत्ति आती है, न धातु लोप अर्धातु के, न धातु लोप अर्धातु के सूत्र से न की अनुवृत्ति आ जाएगी। लग गया? क्यों? ऐसा होने पर सूत्र का अर्थ ऐसा है, सूत्र का अर्थ ऐसा है, देखो वृत्ति में दिया है भाई, गीत केद गीत निमित्ते एक लक्षण गुण वृद्धि नास्तः। बोलो, हाँ, मतलब गीत को निमित्त मान करके, ठीक है ना, और गीत को निमित्त मान करके, और गीत को निमित्त मान करके, समझ में ना, कौन कौन सा प्रत्यय? गीत प्रत्यय, गीत प्रत्यय, गीत प्रत्यय पर में रहेगा ना, उसको निमित्त मान करके पूर्व में क्या हो रहा था? गुण वृद्धि कार्य हो रहा था। किसको गुण वृद्धि? एक प्रत्यार बनने को, एक प्रत्यार करने से ई ओ रील री, वो जो कार्य हो रहा था कौन सा कार्य? वो गुण वृद्धि कार्य नहीं होगा, ये बोलते हैं। अर्थ लिख लो, गीत कीत और गीत प्रत्यय को निमित्त मान करके एक ऐसा उच्चारण करके एक वर्ण को गुण वृद्धि कार्य न हो। क्या कार्य ना हो? गुण वृद्धि कार्य ना हो। गुण जो हो रहा था वो गुण नहीं होगा, अब वृद्धि भी जो यहां पर हो रही थी वो भी नहीं होगी। सुनते हो, यह सूत्र निषेध सूत्र है, ऐसा लिख दो, यह सूत्र निषेध सूत्र है। किसका निषेध? हाँ, गुण वृद्धि कार्य का निषेध, गुण वृद्धि कार्य का निषेध। कौन सा वर्ण को? एक प्रत्याहार के वर्ण को, समझ में आया? पर में क्या निमित्त मान करके? हाँ, गीत हो, कीत हो, गीत हो, पर में गीत हो तब भी गुण वृद्धि नहीं होगी, पर में कीत हो तब भी गुण वृद्धि नहीं होगी, और तीसरा गीत तब भी नहीं होगी, समझ में कि नहीं? अब समझाएंगे, चिंता ना करो। जल्दी समझ में नहीं आता है, देखो, नहीं तो वृत्ति में तो लिख दिया, लेकिन ये अर्थ कहाँ से आया ये समझ में नहीं आता जल्दी। देखो क्या लिखा है, गीत कीत गीत निमित्ते, ये निमित्त अर्थ कहाँ से आया? बोलो अनुराग, क्या कहते हो? हाँ, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है ना, कांगिति में सप्तमी है, ये सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में? निमित्त अर्थ में, निमित्त शब्द में हो गए। अच्छा, और एक लक्षण जो बोल दिया ना, हाँ, है ना, ये अर्थ कहाँ से आया? ये च शब्द से आया, च का अर्थ इति, च का अर्थ इति, और उसका उन्होंने किसके साथ किया? इक के साथ किया, एक लक्षण है, मतलब एक ऐसा उच्चारण करके, समझ में कि नहीं? ठीक है,
जो कार्य हो रहा था कौन सा कार्य? गुण वृद्धि, उसको वो गुण का गुण वृद्धि कार्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिखो भू यास तकार है अथवा ती भी कर लो, भू यास आगे क्या है बोलो, तकार ना, तकार करो अथवा ती भी करो, कोई आपत्ति नहीं। ती के इकार का लोप करके तकार भी लिख सकते हो अथवा केवल ती भी लिख सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कित है ना, कित कित है, तो कितवत किया ना, किस सूत्र से? किदाशिष्य से कितवत हुआ है, तो कित प्रत्यय होगा यास्त, यास्तकार ये होगा कित, तो कित है। अब पूर्व में कौन सा है? भू का ऊ है, भू का ऊ एक में आया क्या? एक में आया, आया ना, तो उसको क्या सा कार्य हो रहा था पहले? गुण, किस सूत्र से? हाँ कि नहीं, तो सार धातु आर्धातु कयो हो सूत्र से जो गुण हो रहा था किस वर्ण को होता हो? एक प्रत्यय को नहीं बोलता है, इगंत अंग बोलता है ना वहां पर, तो एक को एक के स्थान पर गुण होता है बोलता है, कौन सूत्र? हाँ एक, एक को वहां पर गुण कार्य हो रहा था, एक उच्चारण करके बोल रहा था, अब उसको नहीं होगा वो गुण कार्य, गुण कार्य नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं बात? आ गए यार आगे, इसे गुण नहीं, गुण होगा अभी नहीं, गुण का निषेध कर दिया, तो निषेध कर दिया तो कितना रहा? भू यास तकार हो गया अभी। अब सकार का लोप कर दो अभी, किस सूत्र से? स्कोह संयोगा द्वरंते च, पूर्व में जी दिया है, यास के सकार का लोप कर दिया तो कितना रहा बोलो? भूयात, भूयात रूप सिद्ध हो गया, भूयात रूप सिद्ध हो गया। ये देखो सुनो बताता हूँ, यहाँ पर तो गुण कार्य का निषेध करना है, वृद्धि तो नहीं यहाँ पर, गुण कार्य के यहाँ पर भू के भू को गुण हो रहा था, तो गुण कार्य का निषेध पर में कित कित होने से होगा कि गीत होने से भी होगा? गीत तो पहले से था, नहीं था गीत? हाँ था कि नहीं बोलो? यासुट परसी पदेशु उदातु गीच, गीत तो पहले से था यासुट, फिर यहाँ पर किदाशिष से कित किया, तो कित करना व्यर्थ नहीं है। यद्यपि यहाँ पर गुण का निषेध है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? निषेध गीत मानकर कोई भी हो सकता है ना, फिर भी किदाशिष से कित करने का प्रयोजन अन्यत्र है, क्या लिखेंगे? हाँ क्या यहाँ पर कहाँ पर? हाँ ऐसा बोलो, भूयास तकार ऐसा लिखो, पहले था क्या? भूयास तकार था ना, यहाँ पर भू को गुण का निषेध, भू के उकार को, भू के उकार को गुण का निषेध, यद्यपि गीत मान करके भी हो सकता है, क्या लिखा आपने, क्या लिखा अव्यक्त आनंद जी बोलिए? भू के उकार को गुण का निषेध गीत मान कर भी हो सकता है। हाँ गीत मान करके भी हो सकता है, फिर भी अथवा तथापि किदाशिषी सूत्र से किदवत करने का प्रयोजन, किदवत करने का प्रयोजन अन्यत्र है। कीत को मानकर लिखो, कीत को मानकर संप्रसारण कार्य भी होता है, क्या कार्य होता है?
संप्रसारण कार्य भी होता है। कौन सा कार्य? संप्रसारण कार्य भी होता है। लिख दिया। जैसे इज्ञात, लिखो इज्ञात, हर्षई कर इज्ञात, लिखा आपने, क्या लिखा आपने? इज्ञात, इकार जकार यात, इज्ञात, ये इज्ञात है ना, ये आसिल लिंग है। क्या धातु है मालूम है? यज धातु। यज मतलब जा करना नहीं होता है, यज 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 देव पूजा संगति कर्ण दानेश, यज धातु जाग अर्थ में होता है, जाग करना, मतलब जाग करें, आशीर्वाद दे रहे, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जाग करें, है ना, भगवान इज्ञात। ये इज्ञात है ना, ये इकार जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये संप्रसारण हुआ है। पहले क्या था मालूम तुम्हें? यज था, यज यास्त ऐसा था, य के यकार को संप्रसारण कर दिया। बत्ती स्वपी यजादी नाम किति, क्या सूत्र किति आगे आएगा। बत्ती स्वपी यजादी नाम किति, पर में क्या चाहिए? कित हो, हैं? तो यहां पर देखो यासुट है ना, पर में यासुट आशीर्लिंग को हुआ है, सुनते हो कि नहीं? पहले क्या था? यज्ञात था, पहले यज्ञात ऐसा था, हैं? तो यहाँ पर जो यास है ना, ये यास क्या है? गीत है, गीत गीत, पहले गीत था ना, यहाँ पर गीत अब नहीं करेंगे आप तो संप्रसारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखा आपने? गीत का प्रयोजन, हाँ गीत का प्रयोजन संप्रसारण कार्य के लिए भी है, लिख दिया ना आपने, ठीक है, फिर लिख दिया। इले कीदास इससे, नहीं तो कोई पूछेगा ना, है बहुत तेज बुद्धि वाला होता, नहीं पूछेगा, पूछेगा कि नहीं? किस सूत्र से पूछेगा? कंगतिच से, भाई कंगतिच से तो भाई गीत पर रहते भी होता है गुण का निषेध, वो तो और गीत किससे हो रहा है? वो तो पहले से है गीत, या सुर पर ऐसे फिर गीत क्यों किया? नहीं बोलेगा कोई, क्यों न रहा? तुम भले ही ना पूछो, लेकिन तुमसे कोई पढ़ेगा बुद्धिमान, तुमसे ज्यादा बुद्धि वाला तो नहीं पूछेगा, इसलिए समझ करके रखना चाहिए, ठीक है। हाँ फिर उसे गुस्सा नहीं करना कोई पूछेगा तो, तुम बहुत पूछते हो, ऐसा नहीं बोल। कोई कोई ऐसे होता नहीं, तुम बहुत पूछते हो। हाँ अनावश्यक पूछे तो गुस्सा करना चाहिए, हाँ उसको सुधारने के लिए, लेकिन यदि पूछे जिज्ञासा रख करके तब तो उसके प्रति नहीं करना चाहिए, विचार करना ही बोलो। ठीक है, रूप बन गया, क्या बन गया बोलो? भूयात हो गया ना भाई, आगे क्या है? भू यास, यास तो रहेगा सर्वत्र, भू यास बोलो, तस, पहले तो तस है, यास पहले बैठ गया, भू यास तस द्विवचन है, अब तस को क्या होगा? ताम, कितना रहा? भू यास ताम, हैं? यहां पर लोप होगा सकार का, बोलो को संयोगा दरंते जैसे, क्यों नहीं होगा? सुनते हो, संयोग है कि नहीं? यहां पर संयोग नहीं है। अरे हलोन्तरा संयोग, सकार और ताम का तकार, सकार तकार संयोग तो है, लेकिन पद के अंत में नहीं है। क्या है? पद के अंत में संयोग नहीं है, ठीक है। पद के अंत में कौन सा वर्ण है? मकार है, इसलिए पद के अंत में नहीं है संयोग, इसलिए संयोग न होने से ये संयोग क्या बोल दिया? संयोग पदांत न होने से, ऐसा लिखना है यहाँ पर, संयोग पदांत में न होने से सकार का लोप नहीं होगा, सकार का लोप नहीं होगा, नहीं होगा तो जोड़ दो, कितना रहेगा? भूयास्ताम, क्या बन गया? भूयास्ताम, ठीक है भाई। आगे क्या बोलो? भू प्लस क्या है? जी, बहुवचन भी कर लो, भू प्लस जी,
क्या है, भू प्लस जी, जी है ना, जी जी, और जी को क्या आदेश होता है, जूस, झेर जूस, जी को जूस होता है, किस लकार में, लिंग लकार, विधिलिंग भी आशीर् लिंग, कोई भी लिंग हो, चाहे विद्यादि अर्थ में लिंग हो चाहे आशीर्वाद अर्थ में लिंग हो, लिंग को तो, लिंग के जी को तो जूस ही होता है। तो कितना रहा, भू प्लस जूस, जूस का क्या रहता है, उस रहेगा, है तो जकार की संज्ञा हुई छोटू से, तो भू प्लस उस, अब क्या है, यासुड हो गया, भू यास, बोलो आगे उस, यहाँ पर भी सकार तो कुछ लोप होगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, भूयासुह, सकार गुरुत्व विसर्ग, भूयासुह प्रथम पुरुष हो गया, भूयाहा भूयास्ताम भूयासुह, ठीक है ना, आगे भी सरल लिए पूरा कर लो, आगे क्या है, भूयास प्लस सिप, फटाफट देखो, भूयास सिप, सिप है ना, तो सिप का क्या रहा, सी रहेगा, पकार की संज्ञा हो गई, क्यों भाई, है पकार की संज्ञा, और सी में इकार की इतच से लोप हो गया, तो कितना रहा, भू सकार यास हो गया, भू यास सकार, कितना सकार हो गए, दो सकार हो गया, ठीक है ना, तो यास के सकार का लोप हो गया, इसको समझेगा दोरंते चो, सुनते हो भाई, तो क्या बन गया, बोलो भूया हा, क्या बन जाएगा, भूया हा, दो दिया है ना, भूया हा, आगे भू यास थस है, थस को तम हो गया, तो जोड़ दिया भूयास तम, सरल है, और आगे बोलो थ सिप थस थ, थ है ना, थ को क्या आदेश हुआ, त, भूयास त, क्या बन गया, भूयास्त हो गया भाई, उत्तम पुरुष करो, भू यास, आगे क्या है, मिप, मिप का मी, मी का मी, मी को आदेश क्या होता है, अम, क्या बन गया, भूयासम, भूयासम हो गया भाई, आगे बस मस आगे भाई दोनों, तो क्या बना, भू यास बस, भू यास मस, बस के मस के सकार का लोप हो गया, किसे अनुराग, अलंत्यम क्या है, उधर देखते हो, नित्यम गीत, नित्यम गीत से सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, भूयास बह भूयास मह, मह बोल विसर्ग बोल दिया, भूयास बह भूयास मह, विसर्ग तो नहीं रहेगा, पूरा रूप हो गया, बोलो भूयात भूयास्ताम भूयासुह भूयाहा भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म, ठीक है, ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचव उधर्तु काम शनकादिशे।